चुनाव है नजदीक और इसमें सर इसमें कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हम तो बहुत से मुद्दों के ऊपर बात जो है जनता से करेंगे और आप सभी के जहन में भी ये मुद्दे होंगे और बार बार हम ये बातों के ऊपर आवाज उठाते आए हैं। जैसे कि भाजपा है स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता की मतलब शहर को महंगा बनाने में लगी हुई है, जनता की जेब पर डाका डालने में लगी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर आप बिजली विभाग के निजीकरण का मामला आप देखिए कि जिस विभाग का राजस्व ऑलरेडी 250 करोड़ के करीब हो उसे किस तरह से आपने देखा होगा एम्प्लॉयज लगातार धरने पे बैठे हैं, किस तरह से सभी गाइडलाइंस को ताक पे रखकर उसको प्राइवेटाइजेशन करने की एक बात की जा रही है और उसके ऊपर बहुत ही तेजी से आप देखिएगा कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन बार बार ये इसके ऊपर तवज्जो देती है। हालांकि ये बातें अभी तक सेंटर से बहुत सी फाइनलाइज नहीं हुई हैं कि बिजली विभाग का निजीकरण करना है। अगर और यूटीज को कहा गया है तो दमन ने सिर्फ अपनी जो है जनरेशन वो डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज किया है, लेकिन चंडीगढ़ जनरेशन ट्रांसमिशन और जो है डिस्ट्रीब्यूशन तीनों को पूरी तरह 100% इस विभाग को जो है प्राइवेटाइज करने में लगा हुआ है और लगातार इसके ऊपर हमारे प्रशासन के अगेंस्ट कर्मचारी बिजली विभाग के कर्मचारी जो हैं वो धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग इस पर जवाब मांग रहे हैं, पब्लिक इस पर आवाज उठा रही है, लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगे। कहीं ना कहीं कोई भाईचारा है जिसको निभाने की कोशिश की जा रही है और मैं इन शॉर्ट कहूंगी कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है, जो है फोर्सफुली धक्केशाही से इसे प्राइवेटाइज किया जा रहा है जिसकी आवश्यकता नहीं। जैसे कि अभी यहाँ पे किरण खेर जी उपस्थित नहीं है, लगभग एक साल होने वाला है, नगर निगम चुनाव नजदीक है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक मेंबर पार्लियामेंट की एक ही सीट है इस शहर में और शहर के मुद्दे केंद्र तक ले जाने के लिए सिर्फ एक ही वो माध्यम है और अगर वो माध्यम ही उपस्थित नहीं है शहर में तो शहर की बदहाली होना जो है वो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि बदहाली जो है वो इसी कारण हो रही है कि मैडम जो है इस चीज़ में उपस्थित नहीं है, तवज्जो नहीं है दे रही हैं और ना ही हमारी बातें वहाँ केंद्र तक पहुँच पाती हैं। इसका रोष हर वर्ग में है, हर व्यक्ति में है कि अगर हमने एक मेंबर पार्लियामेंट चुना है उसको एक दायित्व दिया है कि शहर के लिए एक प्रॉपर बजट आना चाहिए ताकि यहाँ विकास के कार्य रुके नहीं, शहर की बातें जो हैं जैसे ये राजस्व ये निजीकरण का मामला है बिजली विभाग का, ये बातें अगर केंद्र तक अपने यहाँ के जनता का रोष पहुँचाना है तो मेंबर पार्लियामेंट को वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए। एक बहुत ही पुराना मुद्दा जिस पर बार बार भाजपा जो है मीठी गोलियां लोगों को देती रही वो था हाउसिंग बोर्ड के जो वॉयलेशंस जो मकानों का वॉयलेशंस हैं उसके लिए एक प्रॉपर रणनीति बनाना, एक प्रॉपर पॉलिसी बनाना, वो भी एक मेंबर पार्लियामेंट ही यहां से केंद्र तक आवाज़ उठा सकती हैं, फाइलें पास करवा सकती हैं, लेकिन वो गैप भी बहुत बड़ा गैप है जिसके लिए आज लोग जो है उससे त्रस्त हैं और इसमें लोगों में रोष है इसके बारे में। मैम, जैसे कि हम सभी को पता है कि लॉकडाउन लगने के बाद महंगाई बढ़ गई है जी, ऐसे में और जैसे खाने पीने के सामान महंगा हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने एक पीछे एक वीडियो देखा था, एक बयान पढ़ा था जिसमें जिसके अंदर हमारे पड़ोसी मुल्क के एक प्रधानमंत्री हैं, हमारे कुछ रिश्ते उनसे सही नहीं है और ना ही उस बारे में हम बात करना चाहते हैं, लेकिन एक वो जो बयान मुझे ठीक लगा कि एक प्रधानमंत्री को अपनी जनता के बारे में बोलना चाहिए। इमरान खान जी बोल रहे हैं कि मैंने पिछले इस पूरे एक महीने के अंतराल में या दो महीने के अंतराल में जो भी वो टाइम पीरियड बता रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के हमने दाम जो हैं एक महीने में 30 रुपये से लेकर 42 रुपये तक कम किए हैं और वो साथ में अपने चीफ सेक्रेटरीज को भी बता रहे थे कि इसके कारण खाने पीने की चीज़ें भी कम होंगी के दाम भी कम होगे, महंगाई भी कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन पे किसानों पे हर एक को रिलीफ मिलेगा, तो सरकार ऐसे डिसीजंस ले रही है। लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ हमारी सरकार सिर्फ प्रधानमंत्री जी की मन की बात का मैंने देखा वो बयान, वहाँ पर था कि ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, लोगों को बच के रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें हर एक को पता है, मैं मानती हूँ कि एक तरह से सलाह आनी चाहिए, लेकिन मन की बात में लोगों को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए अगर प्रधानमंत्री जी कष्ट करें बाकी पड़ोसी मुल्कों से ही सीख कर, आप देखिए दुनिया के जितने भी और देश हैं वहाँ की सरकारें लोगों को घर बैठे हाथ में पैसे दे रहे हैं, अगर उनकी जॉब छूट गई है, अगर वो जॉब पर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन
यहाँ पर हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ना ही ऐसी कोई स्कीम लाई गई है। और राशन भी अगर आप देखें मिल रहा है तो वो पिक एंड चूज करके मिल रहा है, बाकी लोग जिनकी जॉब्स छूट गई हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती है सरकार। आखिर क्यों नहीं करना चाहती है? सिर्फ अपनी ही बातें आप बता रहे हैं और लोगों की बातों को नहीं सुन रहे हैं। कांग्रेस ने पूरे नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जिसमें कहा कि पेट्रोल और डीजल की जो आपने कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं उसको कम किया जाए, जब आसपास के सभी देश कर रहे हैं, लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, तो क्यों नहीं भारत सरकार इसके ऊपर जो है वो सोचती और इन चीज़ों को तवज्जो देती और हमारे लोगों को जो है इस कोरोना काल में रिलीफ देती। कोरोना काल की आड़ लेते हुए बहुत से काम चल रहे हैं। अब सेंट्रल विस्टा को देख लीजिए, 20,000 करोड़ वहां पर खर्च करना कोरोना काल में क्या बहुत जरूरी था? या वही पैसा हमारे लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, हमारे लोगों को राशन देने के लिए, हमारे लोगों के हाथ में पैसा देने के लिए, जिनकी नौकरियां छूट गई उनके घर चलने के लिए, क्या वो यूटिलाइज नहीं किया जा सकता था? अगर त्रासदी है तो क्या वो बिल्डिंग बनाना बहुत जरूरी है? क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर इतना खर्च करना बहुत जरूरी है? ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तरफ मैंने तवज्जो की, हालांकि पूरे देश में चल रहे हैं। मैं इस डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ कि वो पैसा पहले आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि कोरोना काल में जब लोग त्रासद हैं और बाकी सरकारें रिलीफ दे रही हैं तो वो पैसा लोगों को देना चाहिए, लोगों के लिए यूज होना चाहिए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।